अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब वाले गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह खुश रखे आपको। आज आपको एक अफसोसनाक वाक्या सुनाता हूँ, मियाँ वाली का वाक्या है। पाकिस्तान में का 7 दिन की लड़की को, बच्ची थी 7 दिन की, अपने बाप ने उसको पांच गोलियों से उसको मार दिया। ये देखें यार, ये क़यामत का निशानी है और कुछ नहीं है भाई। बेटी अल्लाह का रहमत होता है, बेटी किस घर में होता है, कुछ भी नहीं होता। मैंने सुना वो बोल रहा था मुझे बेटा चाहिए, और उसने फिर अपनी बेटी को क्या किया, 5 गोलियां से उसको ज़िंदा मार दिया। नन्ही सी जान थी, छोटी सी बच्ची थी, आपको शर्म नहीं है कब आप मार रहे थे उसको? और खुदा का खौफ करो, आपने मरना भी है, क़यामत वाले दिन मरना है, यहाँ हिसाब होना है, हर चीज़ होना है। आप कैसे मुसलमान हो गए आज? लड़की अल्लाह का रहमत है, आप ऐसे नहीं करो किसी के साथ। अपनी बच्चियों को पालो और तो उनको बड़ा करो। नहीं पाल सकते थे तुम, किसी और को दे देते, फ़कीर को दे देते, वो भी उस बच्ची को बड़ा करता। तुम्हारी तरह तो नहीं करता ना, उसको क्या सीने में 5 गोले तुम्हारी तरह मारते। बस अल्लाह आपको हिदायत करे, मुसलमानों सुधर जाओ, जो भी है यार हमारी ये ख्वाहिश है सुधर जाओ। क़यामत का निशानी और कुछ भी नहीं है यार। सक्का बाप अपने सक्की छोटी सी बेटी 7 दिन की, यार सोचने का बात है, हम ये सोचते हैं हमारा खुद रोना आता है इनको। अल्लाह इनको हिदायत करे यार, सुधरो थोड़ा, अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये क़यामत का निशानी है भाई और कुछ भी नहीं है। कैसे आप कर रहे हो दोस्त, ऐसे कर रहे हो आजकल के दौर में, तो समझ के बाहर यार। 7 दिन की लड़की के साथ आपने उसको ज़िंदा मार दिया, तौबा की बात है यार। मेरी तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बंदे को पकड़ो, सख्त से सख्त, बहुत बड़ी सजा दे इसको। ऐसे आगे कोई अपना बाप अपनी बेटी को ऐसा ना कर पाए। आपको मैं बच्ची की तस्वीर भी दिखा देता हूँ, अभी देखना, मैं नीचे आपको तस्वीर इधर आ जाएगी, देख लेना। अल्लाह इनको दैद करे, क़यामत का निशानी है। पन्नी लोग आजकल पन्नी क्या सोचते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सोचो यार, अपने रिस्क के लिए छोटो सोचो, अपना काम करो, अपना और चीज़ करो, काम करो, कारोबार करो। आजकल कारोबार है हर चीज़ है, अब कारोबार नहीं करते। बस 7 दिन की बच्चे को आपने ज़िंदा मार दिया 5 गोलियों से। अल्लाह माफ़ कर यार, तौबा की जगह है, खुद तौबा मांगता है। आप उससे जाके पूछो कि इसकी औलाद नहीं है, किसकी औलाद नहीं है, जो किसी और की औलाद को वो उठाते हैं, वो खुद पालते हैं। आप उससे जाके पूछो, आपको इतनी भी शर्म नहीं है? आपकी सक्की बेटी थी, आपने उसको 5 गोलियों से मार दिया। यार ये क़यामत का निशानी है और क्या है भाई? नहीं पाल सकती थी, किसी और को दे देते, अपनी बहन को दे देते, अपने भाई को दे देते, और दूसरे बंदे थे उनको दे देते, बोलते यार मैं बेटी नहीं रखना चाहता। बस मारने की क्या ज़रूरत थी आपको? 7 दिन लड़की, 7 दिन की बच्ची, आपने उसको जिंदा 5 पैरों से इधर मार दिया, वो क्या बिक्री होगी उसके ऊपर? जब वो मरेगी बोलेगी मुझे किस जुर्म में मारा गया? आप फिर उस टाइम क्या करोगे यार? सुधर जाओ मुसलमानों, सुधर जाओ। अल्लाह माफ़ करे यार, आजकल बहुत आजकल पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाक़े हो रहे हैं ना, हमारे कुछ समझ से बाहर है। मैं खुद पाकिस्तान का हूँ, मैं खुद देखता हूँ ये चीज़ें ऐसे आजकल के वो हो रहे हैं। बस तो भाई यार, अल्लाह इन सबको हिदायत करे, अल्लाह इन सबको सुखी करे, दुख इनके पूरे करे। महंगाई का दौर है आजकल का यार, किसी की भी समझ नहीं आती। ये बस मैं कहना चाहता हूँ इमरान खान से, इमरान खान साहब आज ज़रूर उस बच्ची को हक दो अपना। एक ऐसा बात नहीं है, आप खुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, आपको सोचना चाहिए। आप थोड़ा सस्ताई करो, हर चीज़ करो, महंगाई आपने ऐसा किया है तो समझ से बाहर है। ठीक है गाइस, मेरी बस ये गुजारिश है, मैं अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचके, बेटी अल्लाह का रहमत होता है। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे दूसरी वीडियो में।